हेलो दोस्तों, आपका एक्सट्रीम मोटिवेशन में स्वागत है। जो सोचोगे सब मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा, जैसा विचार वैसा जीवन। इस बुक में हम दो बातों को डिटेल में जानेंगे। पहली है आदमी की सोच कैसे काम करती है और दूसरी है आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। एज अ मैन थिंक कैट, यह बुक जेम्स एलन ने 1903 में लिखी थी। जेम्स एलन ब्रिटेन के 19वीं शताब्दी के एक मशहूर दार्शनिक और लेखक थे। यह बुक बाइबल की एक कहावत पर आधारित है जिसमें लिखा है कि इंसान जो भी अपने मन में सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। इसमें ऑथर ने बताया है कि हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन उसके विचारों से किस प्रकार जुड़ा होता है। यह बुक 1903 में जरूर लिखी गई लेकिन आज भी इसकी सार्थकता साबित होती है। व्यक्ति जो भी विचार अपने मन में लंबे समय तक रखता है, उनके बारे में सोचता है, वह वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जो वह मन में सोचते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। विचार ही इंसान के चरित्र को बनाते हैं, फिर बाहरी परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन का हर एक पहलू हमारे किसी न किसी विचार से जरूर जुड़ा हुआ है। हमारे विचार चाहे सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अच्छे हो या फिर बुरे, यह सब हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में जरूर प्रभावित करते हैं। हमारे विचारों का प्रभाव जीवन के किसी न किसी हिस्से पर जरूर दिखता है। हम आगे समझते हैं कि हमारे मन के विचार हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। विचार और व्यक्तित्व यानी कि थॉट एंड कैरेक्टर। हम खुद के रचनाकार हैं। हमने एक कहावत तो जरूरी सुनी होगी, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, और यह कुछ हद तक सच भी है। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसी थॉट्स रखते हैं, हमारा कैरेक्टर उसी थॉट्स का परिणाम है। जैसे एक पेड़ बिना बीज के एक पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही एक इंसान बिना सोच के इंसान नहीं बन सकता। हम जो होते हैं वही सोच के बीज अपने माइंड में बोते हैं। कर्म सोच का बीज है, आनंद और दुख उसका फल। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अगर अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, बुरा और नेगेटिव सोच रखेंगे तो ठीक इसका उल्टा ही होगा। इस भौतिक संसार में इंसान नियमों के साथ बड़ा होता है। जैसी सोच उनकी बनती जाती है वो ठीक वैसा ही बनता चला जाता है। सभ्य और देवताओं की तरह का कैरेक्टर कोई जादू से नहीं पैदा होते, वह सब वो इंसान होते हैं जो खुद की सोच पर, खुद के थॉट्स पर कंट्रोल करके वैसे ही इंसान बन जाते हैं। मतलब साफ है कि इंसान शैतान या भगवान खुद से ही बनता है। जब मन में गुस्सा, जलन, नफरत, बत्ता जैसी सोच रखोगे तो वैसी ही संतान बनते चले जाओगे। वहीं जब मन में प्यार, खुशी, शांति और शेयर करने की मानसिकता वाले थॉट्स रखोगे तो ठीक वैसे ही बनते चले जाओगे। ऐसे लोगों की दुनिया में क्या वैल्यू है हम सब जानते ही हैं। ऐसे लोगों की इस दुनिया में पूजा होती है, इसलिए हम खुद के ही मेकर और मास्टर होते हैं। अपने कैरेक्टर को निखारते हैं, एक अच्छा समाज बनाते हैं, खुद ही अपनी किस्मत बनाते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल करके, सही चीज़ों पर लगाने से हो सकता है। खुद को तराशने के लिए सबसे पहले अपने डेली के थॉट्स पर डालें। ध्यान से देखना होगा कि हम दिन भर क्या सोचते हैं। क्या किसी के लिए दिल में नफरत है, ईर्ष्या है, या किसी को लेकर दिल में कोई गुस्सा है? क्या हम सेल्फिश हैं, मन में हमारे कोई लालच है? बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही अपने थॉट्स को देख पाओगे। अंदर कभी खत्म ना होने वाला खजाना भरा हुआ है। आप जानते तक नहीं हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसी शक्ति आपको मिल सकती है। आपने वेदों के, बाइबल के, कुरान के या पुरानी महागाथाओं के योद्धाओं की कहानी तो जरूर सुनी होगी। भगवान और देवताओं की, उनकी शक्तियों की कहानी भी जरूर सुनी होगी। अगर आप उस पर यकीन नहीं भी करते हैं तो कम से कम इतना तो मानते ही हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। तो कुछ तो सच होगा ही। आखिर वह कौन से लोग थे जिन्हें दुनिया महायोद्धा, देवता या भगवान कह के पूजा करती है? ध्यान लगाओ, वह वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर छिपी कभी ना कभी खत्म होने वाले खजाने को खोज निकाला है। वो सब कर गए जो एक नॉर्मल इंसान के लिए जादू जैसा है। आप भी वैसा बन सकते हो। इसके लिए बस ध्यान देना होगा अपने थॉट्स पर और फिर उसे तराशना होगा। हमारा माइंड एक बगीचे की तरह होता है।
बगीचे को सुंदर बनाने के लिए उसमें उगी खराब घास को बाहर से आए जंगली जानवरों को हटाना होता है, पौधों को पानी देना होता है, कुछ को काटकर तराशना पड़ता है, सबसे खास बात लगातार बगीचे का निरीक्षण करना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हमको अपने माइंड की देखभाल करनी होती है, माइंड में आ रहे नेगेटिव थॉट्स को हटाना होता है, अच्छे थॉट्स को बढ़ाना होता है, उन्हें तराशना होता है, डर, ईर्ष्या, नफरत, लालच जैसी भावनाओं से माइंड को बचाना होता है, लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अवेयर रहना पड़ता है, देखना होता है कि माइंड में चल क्या रहा है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट व माहौल की वजह से हमारे विचार बनते हैं, विचार ही हमारा कैरेक्टर बनाते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है आप गरीब घर में पैदा हुए हो इसलिए जिंदगी भर गरीब बनकर ही रह गए, हमारी परिस्थितियों से ही हमारी सोच बनती है, लेकिन थॉट प्रोसेस पर ध्यान देकर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैरेक्टर पूर्णतः चेंज हो जाएगा, बस सीखना होगा, थॉट प्रोसेस को जानना होगा, यह समझना होगा कि सभी में एक समान शक्तियां मौजूद हैं, बस उसे हासिल करना होगा। सोच बदलते जाओगे, सर्कमस्टेंसेस अपने आप बदलते जाएंगे। हर थॉट्स रूपी बीज या तो हमने बोया होता है या फिर हमने खुद ही उसे माइंड में आने दिया है, उसने हमारे माइंड में अपनी जड़ें जमा ली हैं। अब कभी ना कभी वह बीज बड़ा ही होगा, उसमें फल भी लगेंगे। अगर थॉट्स अच्छे होंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे थॉट्स होंगे तो बुरा फल जरूर मिलेगा। हम वह अट्रैक्ट नहीं करते हैं जो हम चाहते हैं, हम वह अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं, मतलब हम खुद को जो मान लेते हैं वही बन जाते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, हम परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को नहीं। बॉडी हमारे माइंड की गुलाम होती है, अलादीन के चिराग वाले जिन की तरह, यह माइंड की हर बात को मानती है चाहे इसे जो भी हुक्म दिया हो। बीमारी से डरने वाले थॉट्स माइंड में रखोगे तो देर सवेर जरूर बीमार हो ही जाओगे, ठीक इसी तरह हैप्पीनेस और हेल्दी वाले विचार माइंड में रखोगे तो एनर्जी से भरपूर और खूबसूरत हो जाओगे। बीमारियां और हेल्थ परिस्थितियों की तरह ही थॉट्स की वजह से होते हैं, कमजोर और बीमार थॉट्स कमजोर और बीमार बना देते हैं। डर के जो थॉट्स होते हैं वो बॉडी को एक बुलेट से ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आसपास ही आप ये देख सकते हैं। वही लोग बीमार होते हैं जो बीमारी से डरते रहते हैं। इस डर ने लाखों जान ले ली है, इसके विपरीत स्ट्रॉन्ग हेल्दी और प्योर थॉट्स बॉडी को वैसा ही बना देंगे। हमारी बॉडी बस एक इंस्ट्रूमेंट है, माइंड में इसे जैसा चाहोगे वह वैसा ही बन जाएगा। हम सोचते हैं कि हम डाइट चेंज कर लेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, इसे प्योर बनाना होगा। जैसे ही थॉट्स प्योर होंगे आपका माइंड खुद ही इम्प्योर डाइट लेने नहीं देगा। अगर अपनी बॉडी की हिफाजत करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंड की हिफाजत करिए। अपनी बॉडी को रिन्यू करना चाहते हैं तो अपने माइंड को भी रिन्यू कीजिए। नेचर के साथ कनेक्ट रहिए, सूरज की रोशनी पड़ने दीजिए, एक सेकंड के लिए भी अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। जिस तरह की बॉडी बनाना चाहते हैं वैसा ही महसूस कीजिए, यह मान लीजिए आप वैसा ही बन चुके हैं। जब तक थॉट्स के साथ कोई पर्पज या उद्देश्य नहीं होता तब तक कोई भी सक्सेस नहीं मिल सकती। हमारे आसपास के लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन उनका कोई गोल नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, सब सर झुकाकर गुलामों की तरह जी रहे हैं। जिसकी लाइफ में कोई पर्पज नहीं होता है उनकी लाइफ में चिंता, डर, मुश्किल, हीनता घर बना लेती है। धीरे धीरे इंसान कमजोर हो जाता है। हर इंसान के दिल में एक जायज पर्पज होना चाहिए, उसे प्लान के साथ हासिल भी करना चाहिए। सारे थॉट्स को सेंट्रलाइज्ड करके एक ऐसा पर्पज बनाओ जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। आपका पर्पज स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हो सकता है, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे मिलियनेयर बनना या सिक्स पैक्स एब्स बनाना हो सकता है। ध्यान रखिए, पर्पज ही आपको जिंदा रखता है, पर्पज ही हमें इंसान बनाता है, वरना हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा। अगर आप अपने पर्पज को हासिल करने में बार बार फेल हो रहे हो तो कोई बात नहीं, लाइफ का जो मेन पर्पज हैप्पीनेस है उसे आप हासिल कर लोगे। एक दिन अपने पर्पज को भी हासिल जरूर कर लोगे, फेल होने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पर्पज हासिल करने के लिए आपको हद से ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा,
वरना फियर और डाउट आपके बड़े से बड़े पर्पज को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद के डर और संदेह पर विजय पानी होगी। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, जो कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं, वह सब डायरेक्टली हमारे अपने थॉट्स के रिजल्ट होते हैं। हार व जीत दोनों ही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी ताकत और कमजोरी, शुद्धता और अशुद्धता हमारी अपनी ही है, ना कि किसी और की। गलतियां भी हमारी अपनी ही है, उन्हें सही करना भी हमें ही है, किसी और को नहीं। खुशियां भी हमारी अपनी है, किसी और की नहीं। यानी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, जैसा सोचते रहते हैं वैसा ही बने रहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंसान एक कमजोर की हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह खुद ना चाहे। अगर वह चाहे कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे खुद के एफर्ट डालने होंगे। खुद में वह क्वालिटी और स्ट्रेंथ महसूस करनी होगी जिसके जैसा बनना चाहते हैं। हम तभी उठ सकते हैं, विजय पा सकते हैं, पर्पस हासिल कर सकते हैं जब तक कि हम थॉट्स पर जीत हासिल नहीं कर लेते, जब तक थॉट्स का लेवल नहीं बढ़ा लेते। अगर आप सेल्फिश हो, शेयर करना नहीं जानते, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सैक्रिफाइस करोगे तो उसके बदले आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। हम जो कुछ भी तरक्की देखते हैं वह किसी न किसी के विजन का परिणाम होता है। इंसानियत कभी अपने ड्रीमर्स को नहीं भूल सकती, वही आइडल्स होते हैं। कंपोजर, स्कल्पचर, पेंटर, पोएट, प्रोफेट, सेंट, यही खूबसूरत दुनिया के रचयिता है। हमारी दुनिया खूबसूरत है क्योंकि यहाँ लोग रह रहे थे और रहेंगे, नहीं तो मजदूर मेंटेलिटी वाले लोग इसे कब का जहन्नुम बना देते। वह जिसके दिल में एक खूबसूरत विजन है, एक आइडल सेट कर रखा है, एक दिन वैसा ही बन जाएगा। कोलंबस ने दूसरी दुनिया का विजन बनाया था, बाद में उसे डिस्कवर भी कर लिया। बुद्ध ने आम जिंदगी से हटके स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और पीस पाने का विजन बनाया जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अगर आपसे कहा जाए कि जाओ तो आप कहाँ जाओगे, वहीं अगर आपसे कहा जाए कि मुंबई जाओ तो आप निश्चित जा सकते हैं। यही विजन है। हमें कहाँ तक जाना है, अब रास्ते आपको ढूंढने हैं। वहाँ जाने के हजार रास्ते होंगे, हर रास्ते में हजारों मुश्किल भी आएंगी, लेकिन जाना है तो मतलब जाना है। विजन के बाद कोई समझौता नहीं। विजन तो बना लिया, लेकिन एक ऐसा आइडल इंसान भी होना चाहिए जिसने आपसे पहले वह पा लिया हो, फिर उसको आइडल मान लो। जैसे उसने रास्ते में आने वाली हजार मुश्किलों को पार कर जीत हासिल की, वैसे ही आपको भी करनी है। सब कुछ आसान हो जाएगा। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा, आपके आइडल की हर बात से सहमत नहीं होना है, आपको अपने थॉट्स खुद बनाने होंगे। विजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपका स्वार्थ ना जुड़ा हो, बल्कि उसमें लोगों की भलाई भी जुड़ी हो। आपका विजन इतना खूबसूरत होना चाहिए, हर पल अपने आप को मोटिवेट करो। जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ो, उत्सुकता बढ़ती है, मजा है जीने में, जिंदगी से प्यार हो जाए। जब विजन खूबसूरत होगा तब ये खुशी, सुकून जीवन भर साथ रहेंगे। सोचो कितनी खूबसूरत लाइफ होगी। आपके मन की शांति वह खजाना है जो दुनिया के 2% लोग भी हासिल नहीं कर पाते। जिसने पा लिया फिर वह इस भरी दुनिया में अलग ही नजर आता है। पढ़ने सुनने में आसान लगता है, लेकिन लगातार सेल्फ कंट्रोल के बाद ही इसे पाया जा सकता है। जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, लव और अटैचमेंट में फर्क समझ आ जाता है। जब मन से सेल्फिश फीलिंग खत्म हो जाती है, जब यह जान लेते हो कि मैं तू अपना पराया एक मिथ है, इंसानों ने बनाया है, एक्चुअल में मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तब इंसान का मन शांत हो जाता है। यही हर इंसान का मेन पर्पस होना चाहिए। एक शांत इंसान सीख जाता है खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को किसी भी परिस्थिति में एडॉप्ट कर लेता है, फिर उसे सक्सेस हासिल करना बच्चों के काम जैसा हो जाता है। वास्तव में फिर सक्सेस और फेलियर का फर्क ही खत्म हो जाता है। बस वह जीता है अपना हर पल एक राजा की तरह। उसकी पावर्स इतनी बढ़ जाती है कि वह कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। आप जहाँ भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करो, अपने थॉट्स को प्योर करो, खुद की बॉडी के बारे में हमेशा अच्छा थॉट्स रखो, लाइफ में एक विजन बनाओ, फिर वेल्दी हैप्पीनेस व कामनेस के सफर पर निकल पड़ो। छोटी सी जिंदगी है,
आपको अभी डिसाइड करनी है गुलामों की तरह जैसे सभी जीते हैं वैसे जीनी है या एक शानदार हेल्दी सक्सेसफुल से भरपूर लाइफ जीनी है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपने इस समरी से जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू।